तो यार आज 5 दिसंबर है और ये आज का न्यूज़पेपर है, तो यार इधर आप देख पा रहे हो कि पेपर वाइज मार्क्स फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो फुल देखो ताकि आपको पूरा चीज अच्छे से पता चले। Wish I found some better sounds no one's ever heard. Hey, what's up guys? I'm Akash and you're watching AKASHTALKS. So yeah, बहुत ही important update है और update बहुत ही खास है और आज ये कई newspaper टेलीग्राम पर देख पा रहे हो तो इधर बहुत ही news, एक important news और update है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है और please आप ये पूरा video देखो ताकि आपको ये पूरा update अच्छे तरीके से पता चले। तो यार अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं इंस्टाग्राम ऑलरेडी ओपन कर लिया और जब आप देख पा रहे हो तो उधर आपको जल्द से जल्द किसी भी नया अपडेट मिल जाएगा, तो जाकर जल्दी फॉलो करो और उधर आप मेरे को कमेंट भी या फिर टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दूंगा। तो यार जो आज का जो मेन मकसद ये वीडियो बनाने का, तो इधर आप देख पा रहे हो कि पेपर वाइज मार्क्स वाइज आप देख पा रहे हो, ये आज का न्यूज पेपर है और ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो ये दो अपडेट है आज और इधर एक है और एक है जो कि आज के पेपर में दिया गया है, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर आईसीएसई, अगर आप इधर देख पा रहे हो तो दो चीज है। तो दो चीज आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे, चीजें क्या है और क्या 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 है, तो पूरा चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप ये पूरा वीडियो देखो ताकि आपको ये पूरी चीज पता चले। तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट अपडेट है कि पेपर वाइज मार्क्स फॉर आईसीएसई, अगर आप ये देख पा रहे हो तो पेपर वाइज मार्क्स, तो इधर लिखा गया है कि जब अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आईसीएसई का मार्क की स्कीम होता है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो अभी भी जाकर देख सकते हो, तुम लोगों के लिए अभी भी वो लागू है। बट इधर आईसीएसई का जो मेन है जो जेरी आरातून जो है, इधर आप देख पा रहे हो तो जेरी आरातून ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जेरी आरातून, तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि अभी तक जब भी अभी इतने दिन से हम लोग का पेपर आ रहा था कि परसेंटेज मार्क्स दिस इज राइट, तो अभी परसेंटेज मार्क्स दिस पेपर नहीं आएगा। अभी कैसे पेपर आएगा, अभी आपका पेपर आएगा कि इंडिविजुअल मार्क्स से पेपर आएगा। मैंने पहले बोला था कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिलाकर एवरेज मार्क्स करके एक मार्क्स दिया जाएगा, बट अभी वैसा नहीं होगा, अभी आप इंडिविजुअल मार्क्स के देख सकते हो, इंडिविजुअल पर्टिकुलर एग्जाम का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स देख सकते हो, ऐसे करके मार्क्स आएगा ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि अर्लियर जो पहले क्या होता था, मैंने एक वीडियो बनाया तो उधर मैंने बोला था पहले यही होता था, तो इधर लिखा है कि अर्लियर द मार्क्स शीट हैज एवरेज ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो तीनों को लेकर एक एवरेज मार्क्स किया जाता था पहले, बट अभी वैसा नहीं होगा, प्लीज मान लो अभी वैसा नहीं होगा, अभी ईच एंड इंडिविजुअल मार्क्स मिलेगा। तो यार जैसा मैं आप लोगों को बोला यही चीज है और जो मैं लिखा है यही मेन सारी चीज लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे अगर हो सके तो, अगर आप चाहते हो या फिर आप आज का डेट का टेलीग्राफ खरीद सकते हो मार्केट से, उधर भी आपको मिल जाएगा पूरा चीज ठीक है। दिसंबर 1 का टेलीग्राफ खरीदो, पेज 6-9 में मिल जाएगा, तो ईच एंड इंडिविजुअल मार्क सबको मिलेगा। बट एक प्रॉब्लम है, जो लोग आईसीएसई 2019 का जो बैच है उन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को अभी तक तो ये शेड्यूल नहीं किया, बट उन लोगों का अभी जो जेडी आरतुन में बोल रहे हैं कि उन लोगों का बैच में नहीं मिलेगा, बट उसके बाद जो बैच आएगा उधर आपको मिलेगा राइट। तो यही सारे सिनेरियो है, आप देख सकते हो एक बार। और यार जितने भी आईसीएसई या फिर बोर्ड रिलेटेड जितने भी न्यूज है या फिर अपडेट्स है सबसे पहले आपको इस चैनल में मिलेगा, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोर्ड्स वाले हैं या फिर अगर आप क्लास 9 या फिर 8 या फिर 11 या फिर 10 में पढ़ते हैं तो आपको यह चैनल सब्सक्राइब करनी जरूरी है, क्योंकि आपको पढ़ाई के रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर सब कुछ मिल जाएगा, तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद जो है उसके बाद भी एक न्यूज दिया गया है आज का, जो मैं पहले देखेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर आईसीएसई, अगर आप देख पा रहे हो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो यार ये सप्लीमेंट्री एग्जाम आखिर है क्या है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यार ये आप पढ़ सकते हो, इधर लिखा गया है कि जो जेडी आरातून ने हम लोगों को जो बोला कि जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके 2000 के अबव आईसीएसई एंड आईएससी स्कूल्स को लेकर मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद जो मेन डिसीजन लिया कि मेन रीजन है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, देखो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल करते हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी हो, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल करते हो तो आपको पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर वो सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर कर पाओ तो आप ऑलरेडी पास कर जाओगे ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आईसीएसई का जो स्टूडेंट मेरे को एक लड़के ने पूछा था, उसका नाम शायद मैं भूल गया, क्या कुछ कुमार हो गया, राजकुमार या फिर कुछ कुमार हो गया, तो यार तुम्हारा तो हो ही गया, बट प्लीज अच्छे से फोकस करके पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सारे चीज करो, तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर आईसीएसई अगर देख पा रहे हो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या है,
बट आपको सप्लीमेंटेशन देने के लिए आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि अगर किसी एक ही सब्जेक्ट में फेल किया तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री दे पाएंगे, और अगर सप्लीमेंट्री तीन महीनों के बाद होगा तो आप सप्लीमेंट्री क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप क्लियर करेंगे तो आप क्लास 11 में जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो एक सुविधा हो गया या फिर बेनिफिट्स हो गया ICSE वालों के लिए। तो यार अच्छे से पढ़ो, फेल करोगे ऐसे मत सोचो, तुम टॉप करोगे हम फोर डालेंगे, ठीक है, ऐसे करके सोचो कि हाँ भाई हमारे पास भी हम भी कुछ करके दिखाएंगे, ऐसे करके सोचो, ठीक है। तो यही मेन बात है और मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था। तो यार मेरे चैनल ज़्यादातर ICSE वाले हैं। तो यार वीडियो देर में ख़त्म करता हूँ, और मैं जैसे मैं पहले बोला कि मैं इंस्टाग्राम में अकाउंट ओपन किया हूँ, तुम जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को डायरेक्टली कमेंट पूछ सकते हो, ठीक है। और उधर भी तुम लोग को ज़्यादातर डायरेक्टली आंसर का सवाल मिल जाएगा, क्योंकि मैं उधर भी थोड़े बहुत वीडियो या फिर स्टोरी में दे दूंगा, तो उधर भी आपको बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ICSE वालों के साथ ही शेयर करो, ताकि उन लोग को ICSE एंड ISC वालों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोग को भी जानने को मिले, ठीक है। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको और भी वीडियोज अच्छे आएंगे। तो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स।